बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर जिला स्तर पर ट्रैफिक जागरूकता और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने इस अवसर पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट का वितरण किया। हेलमेट है ना आपके पास? होते हुए भी नहीं पहनते हैं, बहुत लोग होते हुए बगल में रखते हैं। देखिए देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, उठाइए पूरा तो उठाइए। ये फूल वाली पुलिस कभी किसी को देखी नहीं लगता है। एग्जाम देने के लिए तो आपको हेलमेट भी तो कैरी करना चाहिए था ना? अभी लग दी है, सॉरी। ये बहाने तो बहुत होते हैं। और आपको कुछ होगा तो आपके फैमिली पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के दौरान आज सड़क सुरक्षा को लेकर के और यातायात नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक करने का एक कार्यक्रम है। दो चीज़ है, एक तो है कि हम लोग जो है बेहतर पुलिसिंग करने के लिए आम लोगों के साथ मिलकर की सेवा करते हैं, तो उनके साथ सामंजस्य बढ़ाया जाए, विश्वास कैसे बढ़ाया जाए, तो आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए बेहतर तालमेल करने के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। दूसरा हमारा मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो सामाजिक कुरीति हो या बहुत सारे नियम हैं जिनका लोग पालन नहीं करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक भी करना, क्योंकि केवल आप कानून को करने के लिए, कानून को लागू करने के लिए लोगों को जब तक जागरूक नहीं करेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कानून का पालन नहीं करेंगे। और कानून का पालन केवल कानून के लिए नहीं बल्कि उस व्यक्ति की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप रोड सेफ्टी पर अगर देखें, कोई हेलमेट पहनता है, कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जान बच जाती है, उससे उसका जान बचने का चांस बढ़ जाता है। नहीं पहनने पर उसकी जान जा सकती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है। इन चीज़ों को अगर लोगों को हम समझाएं तो लगता है कि कंप्लाइंस भी अपने आप बढ़ेगा और लोग जो है स्वयं जागरूक होकर के कानून का पालन